हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे MBI इन्फ्यूज़न के बारे में, मतलब MBI इंजेक्शन के बारे में। इसके क्या यूज़ होते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसके क्या प्राइस होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आई फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें होता क्या है। तो फ्रेंड्स, MBI इंजेक्शन एक मल्टी विटामिन इंजेक्शन है, मतलब मल्टी विटामिन इन्फ्यूज़न। तो जो मल्टी विटामिन इन्फ्यूज़न होता है, इसमें कई सारे मल्टी विटामिन होते हैं, जो कई सारे विटामिनों से मिलकर एक मल्टी विटामिन मिलता है, मतलब कई सारे विटामिन मिले हुए हैं, इसलिए इसे मल्टी विटामिन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें होते कौन कौन से विटामिन हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ए होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। बाकी कॉलीकैल्सिफेरॉल भी होता है, निकोटिनामाइड भी होता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन का एक जो मिश्रण होता है। तो इसका जो बेसिकली यूज़ होता है फ्रेंड्स, बॉडी में, जैसे कि आपकी कहीं बॉडी वीकनेस वगैरह हो रही है, तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपकी बॉडी की वीकनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जो आपके विटामिन आपकी बॉडी में कम हो गए हैं, तो इसके इंजेक्शन के द्वारा उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो इसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि जिन लोगों में विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, या विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, या डी की कमी हो गई है, निकोटिनामाइड की कमी हो गई है, तो इस टाइम पर ये इंजेक्शन उन सब विटामिन की पूर्ति करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। तो इसका बेस्ट रिजल्ट है और बेस्ट यूज़ भी किया जाता है, बहुत यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन भी है और काफ़ी फेमस भी है। और फ्रेंड्स, ये MBI इंजेक्शन मल्टी विटामिन इन्फ्यूज़न एक प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली दवा है, इंजेक्शन है। ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको बिना किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी, ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने पर ही आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके यूज़ हो गए, मतलब जो आपकी बॉडी मल्टी विटामिन की कमी होती है उसको पूरा करने में इसका यूज़ किया जाता है। नंबर टू, अब बात करते हैं इसके डोसेस फॉर्म के बारे में, मतलब से हाउ टू अप्लाई, यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली इसका यूज फ्रेंड्स हमेशा 500 ml NS या DNS के साथ ही किया जाता है। हमेशा इसे फ्रेंड्स इसे डायरेक्ट IV या IM द्वारा नहीं दे सकते, इसे कभी भी IV द्वारा नहीं दे सकते, ना ही IM दे सकते हैं। इसे हमेशा डायल्यूट करने के बाद ही दिया जाता है, और इसे 500 ml NS के साथ ही ड्रिप के द्वारा चढ़ाया जाता है। ये हमेशा ड्रिप के साथ ही दिया जाता है फॉर डायल्यूशन इन इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ओनली इन्फ्यूजन्स, मतलब इसे कभी भी आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो इसका मतलब जो यूज़ करने का तरीका है वो हमेशा ड्रिप द्वारा ही दिया जाता है, 500 ml ड्रिप में से घोल कर डायल्यूट करके उसके बाद ही दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड इसका जो बॉडी रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी भी जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि अगर उसके कंट्रोल नहीं किया गया इसका रिएक्शन, क्योंकि इसका रिएक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है कि इसके मतलब किसी भी मरीज़ की दांत ही मिस जाना, दांत मिस जाना, और मरीज़ एकदम लेटा रहना, और पूरी तरह से शरीर पर लाल चकत्ते होना, और स्टमक डिसऑर्डर वगैरह होना, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या देखे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और बिना डॉक्टर की देख रेख में इसे दिया भी नहीं जाता है फ्रेंड्स। इसे खुद लगाने या फिर घर पर ड्रिप चढ़ाने की कोशिश कभी मत करना, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं फ्रेंड्स, इन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमेशा डॉक्टर की देख रेख में इसका यूज़ किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके डोसेस फॉर्म, मतलब मतलब दिन में एक बार ही दे सकते हैं, मतलब वो अपने डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करें उसी हिसाब से दिया जाता है। वो अपने डॉक्टर से इसकी डोज ज़रूर निर्धारित करें। इसके प्राइस के बारे में फ्रेंड्स, अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो इसके प्राइस है 25 रुपये। 25 रुपये में किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस का है, कॉस्टली नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई समस्या लगे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा रिव्यू MBI इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स।